सिर्फ यही एक तरीका है कॉपीराइट स्ट्राइक को वापस लेने का। दोस्तों अगर आपने किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है और अब आप किसी रीजन के कारण स्ट्राइक वापस लेना चाहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि कॉपीराइट स्ट्राइक वापस कैसे लें, तो अब मैं आपको वही बताने वाला हूं कि अब 2022 में आप कॉपीराइट स्ट्राइक वापस कैसे ले सकते हैं और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे आप स्ट्राइक वापस ले पाएं। दोस्तों जब आप किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं तो आपको एक मेल आता है यूट्यूब की तरफ से और आपको कंपोज मेल करना होता है यूट्यूब को स्ट्राइक वापस लेने के लिए। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ स्ट्राइक वापस लेने का। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, यहाँ पर आकर आपको अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है डेस्कटॉप साइट पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है पहले से, तो इसको लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर आपको क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा यूम कर देता हूँ, आपको एक कॉपीराइट का आइकन मिल जाएगा, इस पर ही आपको क्लिक करना है कॉपीराइट के आइकन पर। तो चलिए मैं इस कॉपीराइट के आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमूवल रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर कुछ स्ट्राइक्स आ गई हैं जो मैंने किसी को दी थी। तो जैसा कि मुझे अभी वापस लेनी है तो यहाँ पर देखिए चैनल कॉपीराइट लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको एक मेल मिल जाएगा, इस ईमेल को आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको लर्न मोर का एक ऑप्शन मिलेगा देखिए कॉर्नर पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है लर्न मोर पर। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप रीड कर लीजिए, यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा तो जिस पर आपने स्ट्राइक दिया था। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ आपको करना क्या है। तो आपको मेल्स में आ जाना है, यहाँ पर आप मेल करते हो जिस जीमेल से आपने स्ट्राइक दिया था उसी मेल में आकर आपको कंपोज मेल करना है। तो कंपोज मेल करने के लिए सबसे पहले आपको ट्यूब में लिखना है जो आपने ईमेल कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है जैसे कि मैंने कर दिया है। तो अब नीचे आपको सब्जेक्ट में आ जाना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है रिट्रैक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक। तो जैसा मैंने लिखा आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है रिट्रैक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है कंपोज मेल में, आपको लिखना है यहाँ पर हेलो यूट्यूब टीम, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है हेलो यूट्यूब टीम लिखना है। उसके बाद नीचे आकर लिखना है स्पेस देकर आई वांट टू रिट्रैक्ट द कॉपीराइट क्लेम ऑन दिस वीडियो। तो आपको इस तरह से लिखना है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे कहीं पर लिख कर रख लीजिए, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। तो उसके बाद आपको वीडियो का लिंक दे देना है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने अभी कॉपी नहीं किया है, आपको लिंक कॉपी कर कर ही पेस्ट करना है यहाँ पर, आपका ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ। तो नीचे आपको थैंक यू सो मच लिखना है और उसके बाद रिगार्ड्स, आपको यहाँ पर अपना नेम लिख देना है जो आपने स्ट्राइक वाले फॉर्म पर लिखा था, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर नेम है वही आपको नेम यहाँ पर लिख देना है। तो आपको इतना करना है और सेंड कर देना है, ये कंपोज मेल चले जाएगी यूट्यूब को। आप अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कहीं पर भी आपको लिख कर रख लेना है, आपको यही यूट्यूब को भेजना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जब आप इसको भेजोगे तो आपके पास रिप्लाई आएगा कुछ इस तरह का। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, देखिए मैंने कंपोज मेल किया था यूट्यूब को और स्ट्राइक हट चुकी है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको रिप्लाई में इस तरह का मेल आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से। तो दोस्तों आप इसी तरह से स्ट्राइक वापस ले सकते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैंने वही लिखकर भेजा था यूट्यूब को जो अभी मैंने आपको बताया, और यही तरीका होता है स्ट्राइक को वापस लेने का, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। दोस्तों अगर आपको फिर भी वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।